Good morning, friends, and welcome to the Hindi explanation for the Hindu newspaper, 12 September 2019. So, जो सबसे पहला टॉपिक है इस पे दिया हुआ है, जो है इंटरनेशनल से, जिसमें किलका सिट डाउन एंड टॉक, यूएन चीफ गिटर टेल इन इंडियन पाक. इसमें इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है? इस टॉपिक में ये दिया हुआ है कि जो यूएन सेक्रेटरीट हैं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करें कश्मीरी मुद्दे पे और बात करके सुलझाएं, ना कि कोई वॉर हो या फिर किसी तरीके से कोई और एक्टिविटी हो. तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूएन सेक्रेटरीट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्थापित हुआ था और इसका काम ये था कि पूरे विश्व में शांति फैलाएं और देखें कि कहीं ह्यूमन राइट वैल्यूएशन तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे विश्व शांति में कहीं भंगता तो नहीं आ रही जिसके वजह से विश्व में शांति दूषित हो रही हो या फिर प्रॉब्लम में आ रही हो. तो उन्होंने क्या किया? तो इस आर्टिकल में क्या है कि हिंदुस्तान के 370 अनुच्छेद को खत्म करने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान को हर मंच पे घसीटना चाहता और कहना चाहता कि ह्यूमन राइट का अगेंस्ट वायलेशन है और यहाँ पे ये हिंदुस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. लेकिन क्योंकि सारे देश जानते हैं कि टेररिस्ट का एक असली गढ़ पाकिस्तान है तो वो नहीं समझते कि इंसान ऐसा कर रहा है. लेकिन इससे वातावरण खराब हो रहा है, इससे विश्व में दो टुकड़े हो रहे हैं जो कि दो विपक्ष और पक्ष में आ रहे हैं, जिससे युद्ध की भी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. जैसा कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है युद्ध के लिए, लेकिन हिंदुस्तान कह रहा है कि नहीं, युद्ध के लिए मना कर रहे हैं और विश्व शांति के लिए अपील कर रहे हैं. तो सेक्रेटरीट चाहते हैं कि आपस में बात करके सुलझाएं और वहाँ के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा हो और वहाँ के लोग एक तरीके से सुरक्षित रह सकें और कोई युद्ध ना छिड़े. तो ये टॉपिक मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि विश्व में शांति के लिए जिम्मेदार है, तो वो है यूएन सेक्रेटरीट. और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि उसने भारत पाक रिलेशनशिप के लिए क्या सजेशन दिए. तो वो ये बता सकते हैं कि 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि दोनों आपस में बात करें, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट है. शिमला एग्रीमेंट के तहत कोई भी बाहरी देश हमारे अपने इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेप फाइन टू सेव लाइफ नॉट टू लिव. यानी गडकरी, ये ट्रैवल जो नए कानून लागू हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट उसके रिलेटेड है. इसमें गडकरी जी कह रहे हैं कि जो नए अमेंडमेंट हैं वो आदमियों की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए है. क्योंकि क्या होता है कि लोग नियमों को नहीं मालूम करते हैं और उससे वो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं. तो इसमें क्या दिखाया गया? इसमें ये दिखाया गया है कि जो सबसे पहली चीज़ है वो है हेलमेट. हेलमेट पहनने बहुत ही ज़रूरी होता है. दूसरा होता है सीट बेल्ट. सीट बेल्ट पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक्सीडेंट का एक मेन कारण है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के बाद भी इंसान की मौत हो जाती है. अगर वो पहन ले तो इंसान की जान बच सकती है. वैसे और भी बहुत सारी है, जैसे इंश्योरेंस हुआ, लाइट हुआ, इंडिकेशंस हुए. तो ये उनका कहना है कि ये भारत की रेवेन्यू को, टैक्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है. इसमें ये है कि यदि आप नियम फॉलो करेंगे तो भारत सरकार कोई फाइन नहीं भरेगी. तो फाइन नहीं मांगेगी तो फिर क्या जरूरत है, आप नियम फॉलो करें और फाइन ना भरें. लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो नियम नहीं मानेंगे, फाइन भी नहीं भरेंगे. तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, यदि फिर मर जाते हैं लोग तो उसके लिए भी लोग खुद जिम्मेदार हैं और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है. तो इसके लिए वो समझाना चाहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा. यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा कि मोटर व्हीकल बिल आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो आपको इसे पॉजिटिव देना होगा कि ये आप सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी नियम नहीं माना जाता है तो उसको ज़बरदस्ती मानने के लिए एक हैवी फाइन डाला गया है, ताकि लोग डर से करें. क्योंकि डर से जब करेंगे तो खुद ही लोग आपस में सारे नियमों को मानेंगे, यही है इस नियम का कानून. नेक्स्ट टॉपिक नेचर से है, नेचर यानी प्राकृतिक. एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पूरे इंडिया में हरित क्रांति और पूरे के पूरे हरियाली, पर्यावरण और दूषित
प्रदूषण इन सबको मापती रहती है और बोलती रहती है। तो एक आर्टिकल सबसे पहला जो हमारे इसमें है यमुना फ्लड प्लान, उसने पहले वार्न किया है यमुना को, डीडीए को, कि यमुना को साफ किया जाए, यमुना में कचरा जो है उसको हटाया जाए ताकि फ्लड से बचा जाए, जहाँ आसपास के पेड़ उगाया जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो उसने वार्न किया यदि नहीं माना तो हर महीने 5 लाख पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, हम कैसे यमुना की क्या प्रॉब्लम, यमुना में जितने पूजा पाठ का सामान होता है जो अंधविश्वास की वजह से उसी में प्रभावित कर दिया जाता है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि है कि एनजीटी कह रही कि इसको रोक दिया जाए, सीवेज का पूरा पानी वहीं जाता है, दूसरा जितना भी कचरा होता है वो पूरा का पूरा उसी में जाता है, तीसरा जो पेड़ पौधे हैं आसपास डेवलपमेंट के लिए उसको ख़राब कर दिया जाता है, सारे निकाल दिए जाते हैं। तो हम इसे ड्रॉबैक कैसे ख़त्म करें, हम एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डाल सकते हैं जो कि पानी को साफ करेगा, और साफ कर करके फिर हम उसको उन पानी को पौधों को भी दे सकते हैं, आम इंसान को भी दे सकते हैं, और ये फ़ायदेमंद होगा। तो हमें कैसे देखना है, यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि एनजीटी ने यमुना को बचाने के लिए क्या प्रावधान किए। तो उसने सीवरेज पावर प्लांट बनाने के लिए और इसके अलावा जो कचरा है उसको ना डालने के लिए और पूजा लोगों को अवेयर बनाने के लिए प्रावधान बताए हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक इससे नीचे है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, आप गवर्नमेंट ने जो नया स्कीम डाला है पावर वाटर रिफाइनरी का, तो उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें जो पानी जहाँ जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, जो पानी साफ होकर के आ रहा है उसको भी यूज़ किया जाए, और जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोक दिया जाए पानी को। तो ये उसी तरीके का एक किस्सा है कि सीवरेज का जो पानी बचता है या फिर ख़राब पानी बचता है उसको भी फायदेमंद से साफ करके हेल्पफुल किया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उसी से रिलेटेड। और इसी से नीचे एक है हरियाणा पे, जिसमें कि हरियाणा में एक वाटर सप्लाई सीवरेज प्लांट है जो कि चालू हो चुका है, उसके चालू होने से पार्क में पानी जाना शुरू हो चुका है। तो ये कहाँ पे है, गुड़गांव में, गुड़गांव में ही जा रहा है, इसके लिए रिसाइकल किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या दिखता है कि तीन टॉपिक दिए हुए, एक यमुना, एक दिल्ली गवर्नमेंट को, और एक वाटर सप्लाई ऑफ हरियाणा एनजीटी जो कि गैस नेशनल नल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एक तरीके से अपने बारे में बता रहा है कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हमें पानी की कितनी ज़रूरत है और पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो यूपीएससी में यही पूछा जा सकता है कि ये तीनों के तीनों एनजीटी कैसे हेल्पफुल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसको हम दे सकते हैं। इसी के बगल में एक आर्टिकल सिविल बॉडी सेटअप एंटी प्लास्टिक कैंपेन, प्लास्टिक यानी वेस्ट, प्लास्टिक यानी दूषित, प्लास्टिक यानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। तो हम इसको कैसे देखते हैं, इसमें यह दिया गया है कि जो आम जनता है वो जागरूक हो रही है और जागरूक होकर लोगों को मदद कर रही है, उसी जगह सरकारी अफसर सो रहे हैं और वो कोई मदद नहीं कर रहा। तो सिविल बॉडी सी हर जगह जागरूक होकर कह रही कि नहीं प्लास्टिक यूज़ ना करें, वन टाइम प्लास्टिक यूज़ ना करें, थैला यूज़ करें। तो इस टॉपिक को हम कैसे देखते हैं, यूपीएससी पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक के लिए कौन कौन अवेयरनेस है। तो गवर्नमेंट स्कीम के अलावा आप ये भी इस टॉपिक को भी डाल सकते हैं, सिविल बॉडीज यानी आम जनता भी जागरूक हो रही है, लोगों को बता रही है, आप भी जा करके किसी को बता सकते हैं और ये हेल्पफुल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि एक नटराज की मूर्ति है तमिलनाडु जो कि 37 साल पहले चोरी हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड की गई और वो वापस लाई जा रही है। और वो तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो 37 साल पहले जो मूर्ति चोरी हुई थी नटराज की, वो किस चीज़ धातु की थी और कौन से टेंपल से चोरी हुई थी। तो वो हुई थी कुरुक्षेत्र कना मुंदा अनामवा नाइक अमन टेंपल, और यह है का काली दई कुरिची इन 1982 में चोरी हुई थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो ये आपके लिए मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ कि ये टॉपिक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है। ये है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हेल्पफुल कीजिए हमारे हेल्पफुल टॉपिक को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लद्दाख से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख एक सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी निकल के आई, लेकिन NCST यानी नेशनल कमीशन ऑफ सेटल ट्राइब मानता है कि वहाँ पर ट्राइबल ज़्यादा है, तो उसे एक ट्राइबल यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए।
उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लद्दाख को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसका यूनियन टेरिटरी आप बना करके, यूनियन टेरिटरी ऑफ ट्राइबल्स करके, वो कैसे, क्योंकि वहाँ पे यदि यूनियन टेरिटरी बना दी गई तो वहाँ के लोगों को एक खास करके प्रजातियों का संरक्षण भी हो सकता है, होगा एक तरीके से, वहाँ पर डेवलपमेंट उनको हेल्पफुल भी होगी उसके वजह से, और वहाँ के सारे हमारे पुरानी प्रजातियाँ, उनके वातावरण, उनका समाज और उनके सारे रीति रिवाज सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा ऐसे ट्राइब है जो कि तीन जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद बने हैं, तो वो है लद्दाख जो सबसे बड़ा ट्राइबल एरिया है। ये मॉब लिंचिंग के लिए आर्टिकल एक दिया गया है जिसमें कि एक अंसारी केस हुआ, उसमें अंसारी को उसको मर्डर केस किया गया, लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि नहीं इसको लिंचिंग केस किया जाए। मॉब लिंचिंग में क्या और मर्डर केस में क्या फ़र्क है, इसमें ये नोट डाउन करने के लिए है। मॉब लिंचिंग में जो है सिर्फ 10 साल की उम्र कैद या फिर उम्र कैद मिल सकती है, लेकिन मर्डर केस में मर्डर की सजाए मौत भी मिल सकती है और उम्र कैद मिल सकती है, इसलिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून आना सख्त जरूरी है। तो इसमें यही नोट डाउन किया गया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ नए नए कानून लाएँ और फिर उसके बारे में सोचा जाए, जो कि सेंटर सोच रहा है इस आर्टिकल में, बस यही है। और मॉब लिंचिंग के क्या क्या नुकसान नफे हैं ये, और जैसे कि हमारा एक स्पेशल आर्टिकल जिसमें मॉब लिंचिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, वहीं पे हम क्लियर करेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा है, एक केस ऑफ डिफरेंट ग्लोबल कार्बन टैक्स। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और सारे के सारे बर्निंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसका रिसाइकल भी नहीं हो पाता क्योंकि हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चेंज करने वाले प्लांटों की मौत होती जा रही है। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया कि यदि कोई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी होगी तो ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करेगी, अगर कम वाली है तो कम, यानी ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा कार्बन, कम प्रॉफिट कम कार्बन। उसमें क्या होता है, जैसे कि यूएस और चाइना बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्शन में, लेकिन हम उससे ड्रॉबैक, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम हाउ इज कार्बन हार्मफुल, यानी कि कार्बन कैसे नुकसानदायक है और हम उससे बच कैसे सकते हैं। तो इसमें हम बच ऐसे सकते हैं कि हम जो चिमनियाँ हैं स्मोक प्रूफ यूज़ करें, जो हम जलाने वाली चीज़ है कम स्मोक वाली और ज़्यादा कैलोरी वाली यूज़ करें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कार्बन को किसी भी तरीके से वाटर बॉडीज में स्टोर कर लिया जाए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कम से कम कार्बन प्रोड्यूसिंग सामानों को यूज़ करें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम पानी के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करें इसके बजाय कि कोल के, या फिर स्टील प्लांट में यूज़ होने के और होते हैं जिसमें स्टील को बर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम और कोई हीटिंग पर्पस के तरीके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, यही इसमें बताया गया। इसमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देख लेना चाहिए, 10.7 है बहुत हाई के लिए जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 0.3 है अगर लो के लिए है। इसमें यही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लाएंगे। ये एक टॉपिक है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड। प्रधानमंत्री का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है हमारा काउक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, ऑफ रूरल इकोनॉमिक यानी कि विलेज पे। लेकिन गायों की हालत बिगड़ती जा रही है क्योंकि वहाँ पे पॉलिथीन का यूज़ होता है, कचरों का यूज़ होता है जो कि उनके पेटों में जाके ख़राब करता है, और जो वहाँ पे गायों के लिए नियम कायदे कानून बहुत ही कमज़ोर हैं स्टेट के। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपना शोक व्यक्त किया है और कहा है कि हमें कड़े नियम बनाने चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है, तो हम कैसे देखेंगे इसको, काउस यानी कि काउस हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, चाहे काउ हो या कोई भी जानवर हो, और उनके बारे में सोचना चाहिए, यही इस टॉपिक का मेन उद्देश्य है। आज का हमारा टिप यह है कि हमें पार्क में 15 मिनट बिताएं और खुश हो जाएं, क्योंकि हम 15 मिनट बिताएंगे तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और पूरा दिन स्वच्छ रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यदि हम पार्क में बिताते हैं तो कई पक्षी कई तितलियाँ दिखते हैं जिससे हमारा मन एक अच्छी तरह से रिएक्ट करता है और खुश हो जाता है। ये हमारा आज का टिप है फॉर द हेल्थी। और इसके बाद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें चैनल, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके।
हमारे टॉपिक्स का, और दूसरे को भी हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में यूपीएससी में लिख सकें। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे अलग आएगा न्यूज़ पेपर में, हम सिर्फ वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि आने चाहिए एग्ज़ाम में, और कोई टॉपिक नहीं। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून, कल मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय एंड गुड लक।